असलामुअलैकुम, मेरा नाम है बाबर अमीर। सब भाई ठीक ठाक होंगे। इसमें के साथ आज की वीडियो जो है ना वो शुरू करते हैं। आज मेरे पास 2010 मॉडल सीरीज 70 बाइक है और ये मिसिंग नहीं छोड़ी। इसके प्लग भी नया डाला, हर चीज़ नहीं डाली है, ये मिसिंग नहीं छोड़ी। जब भी ये भाई चौक देते हैं तो गाड़ी जो है ना ठीक हो जाती है, जब चौक नीचे करते हैं गाड़ी फिर जो है ना मिसिंग करना शुरू हो जाती है। इसका मसला क्या है, मैं अभी आप लोगों को ये गाड़ी बताता हूँ, इसको स्टार्ट करके बताता हूँ और मसला जो छोटा सा है ना वो बताता हूँ, जिसकी समझ में नहीं आता ये उसकी भी समझ में आ जाएगा। गाड़ी मेरे पास मौजूद है, अभी इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। जब फुल रेस देते हैं तब ये वाइब्रेशन के साथ रेस देती है, कभी रेस कम होती है कभी ज़्यादा जो रेस है ना वो होती है। अभी आप लोगों को उन्हें करना क्या है, आसान से जो काम है ना वो करना है। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं सीट को ओपन करूँगा, कोई चीज़ नहीं मैंने खोली, सिर्फ इसकी सीट जो है ना वो खोली हमने, सीट की नट हमने खोली है। और ये सीट को उठा लेता हूँ मैं यहाँ से और अभी आप लोगों को बताता हूँ इसमें मसला क्या है। मसला इसमें है यहाँ पर, ये जो चीज़ है ये नज़र आ रही है ना ये वाली, इसमें ये ढक्कन होता है, इसके पीछे ये जो ढक्कन है वो नहीं है। इसकी हवा जो है ना वो कारपेटर के हिसाब से जो है ना वो ज़्यादा जाती है, जैसे हिसाब से इसको कारपेट को हवा चाहिए उस हिसाब से यहाँ से जो है ना हवा काफ़ी ज़्यादा जाती है। और ये जो गाड़ी ना वो मिसिंग नहीं छोड़ते। अभी इसको मैं नीचे से करना क्या, हमने पीछे से थोड़े से रबड़ काट के अल्फी के साथ इसको नीचे फिट कर देनी है, ताकि ये जो हवा के साथ जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए, हवा इसकी कम जाए, जितनी हवा कारपेट को चाहिए उतनी हवा जो है ना इसको जाए और ये बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने इस साइज़ की जो रबड़ है ना, हमने इस साइज़ की रबड़ जो है ना वो काट ली है और आप लोग इसको नया भी डलवा सकते हैं, तकरीबन 150 से 200 रुपया आपका लगेगा। तो ये जो है ना वो नया डालें आप, नहीं तो ये जो काम है अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ, काम फ्री के जो काम होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने लगाना है, इसके पीछे जो है ना वो उतना सुराख करना है जितना इसको चाहिए, उस हिसाब से जो है ना वो इसका सुराख करना है। हमने पहले काफ़ी बड़ा सुराख था, हमने उस हिसाब से सुराख करना है जिस हिसाब से उस कारपेटर को हवा जो है ना वो चाहिए। और ये थोड़ा छोटा है, अभी थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हवा जो है ना वो गाड़ी तंग भी ना हो, हवा भी उसको पूरी पूरी जो है ना वो मिले। ये मैंने सुराख कर लिया इसको, अभी इसको पीछे यहाँ पर जो है ना फिट कर देना है, यहाँ पर पीछे जो है ना हमने इसको लगा देना है। तो अल्फी के साथ इसको जो है ना वो लगा देते हैं ताकि हवा जो है ना इसकी कारपेट को कम मिले तो गाड़ी जो है ना मिसिंग छोड़ देते हैं। फिट इसको फिट कर लेते हैं, अल्फी लगा कर हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो पूरा पूरा रबड़ जो है ना पूरा पूरा इसके ऊपर आ जाएगा और गाड़ी जो है ना वो हवा ज़्यादा नहीं लेगी। अल्फी लगा कर मैं रबड़ जो है ना वो पीछे लगा दिया, अभी इसको स्टार्ट करके मैं चेक करवाता हूँ आपको। देख सकते हैं अभी जो इसकी हवा है ना यहाँ से पीछे से कम जा रही है और गाड़ी जो है ना मिसिंग बिल्कुल छोड़ चुकी है। तो जिस भाई ने मुझे ये गाड़ी दी थी वो ये कह रहा था ये मिसिंग नहीं छोड़ती, मैंने प्लग नया डलवाया, हर चीज़ नहीं डलवा ली है, ये मिसिंग नहीं छोड़ रही। तो ये जो मसला है वो मैंने हल कर दिया है। तो कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो, मैं कहता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सच्चे टॉपिक के साथ। याद दीजिए बाबर को, बाय के बनेंगे के साथ, अल्लाह हाफिज़।